हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट। आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। और आजकल मैं वो टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स से रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, एंड दीज ऑल आर न्यू क्यू कार्ड्स। और स्पीकिंग पार्ट वन में भी जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं चेक की है, यू कैन चेक दैट वीडियोज़, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। Now, today I'm going to share again the new cue card, and the name of the topic is talk about a robot you really like. What type of robot is it? When and where did you see it? What the robot can do and why did you like it so much? हमने कोई ऐसे रोबोट के बारे में बताना है कि आपको बहुत पसंद है, आपने इसको कहाँ देखा, कब देखा, और इवन किस टाइप का रोबोट है ये और क्या चीज़ें करता है, और व्हाई डिड यू लाइक इट सो मच, आपको ये इतना रोबोट पसंद क्यों है, ये सारे आपने आंसर्स देने हैं। गाइज, एज यू नो दैट कि जो रोबोट्स हैं वो ज़्यादा जापान में होते हैं, ठीक है। तो मैंने जो आइडिया बनाया है और इसमें एक स्टोरी कुक करी है वो सारी इसके बेस के ऊपर ही करी है, और बड़ी ईजी सी स्टोरी बनाई है। सो लेट स्टार्ट विद द आइडिया। अब मैंने आइडिया लिया है यहाँ पे कि जो रोबोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। रोबोट्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, क्राइम फाइटिंग, मेडिसिन, एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड एंटरटेनमेंट। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रोबोट्स के बारे में सुन रखा है, बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द रोबोट जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और उस रोबोट का नाम है एलिक। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो जापान में रहती है, तो मैंने उसको एक दिन वीडियो कॉल करी और वो अपनी ग्रैंड मदर के रूम में बैठी हुई थी, और मैंने वहाँ पे एक रोबोट को देखा जो कि उसकी ग्रैंड मदर को हेल्प कर रहा था लाइक अ ह्यूमन बीइंग। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुई उस रोबोट से, और मैंने उसी टाइम अपनी फ्रेंड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, लाइक फ्रॉम वेयर शी बॉट इट एंड हाउ मच इट इज़। उसने मेरे को हर एक चीज़ बड़े डिटेल में बताई कि ये वाले जो रोबोट्स हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं फॉर एल्डर केयर के लिए, और इसका नाम ही एलिक रखा गया है। ये एक स्मार्ट रोबोट है और पर्सनल असिस्टेंट है एल्डरली के लिए, जो कि म्यूजिक प्ले करता है, वीडियोस प्ले करता है, मैसेजेस सेंड और रिसीव करता है, एंड इवन कैलेंडर्स मैनेज करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो रोबोट है वो हेल्प करता है एल्डर्स की, उनको एक प्रोएक्टिव सजेशंस देने के लिए भी एट द राइट टाइम, टू स्टे शार्प एंड एक्टिव और एंगेज, ठीक है। अगर ऑनलाइन कंटेंट किसी ने यूज़ करना है तो उसमें भी हेल्प करता है, और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, और इवन वॉइस कंट्रोल को भी अंडरस्टैंड करता है, बॉडी लैंग्वेज को भी। अगर कोई एल्डर को कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी सेंस कर लेता है, और अगर कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बता देता है। सो आई वॉज अमेज विद दैट रोबोट, और इवन मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा रोबोट मैं अपनी ग्रैंड मदर के लिए लूँ, क्योंकि शी इज़ हैविंग सो मच प्रॉब्लम इन वॉक, और वो अपने हाउस होल्ड चोर्स भी नहीं प्रॉपरली कर पाते। इवन शी इज़ फीलिंग अलोन ऑल्सो जब कोई घर पे नहीं होता। तो मेरे को लगता है कि ये रोबोट जब उनको मिल जाएगा तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा महंगा है, बट वन डे आई विल डेफिनेटली बाय इट। सो ऑल इन ऑल, दिस इज़ द रोबोट विच आई लाइक्ड इट एंड आई वॉन्ट टू बाय इन द नियर फ्यूचर। सो आई होप आपको आइडिया तो क्लियर हो गया हो। और ऐसे ही सिंपल अगर आइडियाज़ आप मेरे से सीखना चाहते हो कि कैसे बनाने हैं, फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। आप मेरे से पर्सनल क्लासेस ले सकते हो, कोई भी मॉड्यूल की आप पर्सनल क्लासेस ले सकते हो। आई हेल्प मैनी स्टूडेंट्स टू अचीव 7 बैंड इन राइटिंग। तो अगर आप GT के स्टूडेंट हो, तो अगर आपने राइटिंग में अच्छे बैंड स्कोर करने हैं, फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एकेडेमिक वाले तो कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं, ईजिली दे कैन अचीव 6 बैंड एंड इवन मोर देन दैट। और आप मेरे से पहले फ्री डेमो क्लास ले सकते हो, आप मेरा टीचिंग वे देखो, फिर उसके बाद डिसाइड करो आपने कितनी देर की क्लासेस लेनी है। नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्पीक दिस क्यू कार्ड फॉर 2 मिनट्स। Well, nowadays robots play an indispensable role in human being lives. They are used in restaurant, crime fighting, medicine, education, protection and entertainment. In my life, I heard about many robots, but today I'm going to talk about one of the robots which I like the most, and the name of the robot is Alec.
Actually, one of my friends is living in Japan, and once I had a video call with her. She was sitting in her grandmother's room, and there I saw one robot which was helping her grandmother like a human being. I was really impressed with this robot, and I asked many things from my friend, like from where she bought it and how much it is. She explained to me each and everything about this robot is that it's specially designed for elder care. Its name is Alec. It's a smart robot and personal assistant for the elderly that can play music and video, send and receive messages, and manage a calendar. Apart from this, this robot is to be able to provide elders with proactive personalized suggestions at the right time to stay sharp, active, and engaged, to access online content and services, thus keep track with the world and remain in touch with family and friends. On top of this, it's easy to use and understand voice control and body language. I was amazed with that robot, and now I'm also thinking of buying the same robot for my grandmother because she's also feeling alone when nobody's at home. However, it will cost me arm and leg, but one day I will definitely buy it for my grandmother. All in all, this is the robot that I liked and want to buy in the near future because this robot is like a personal assistant. So I hope aapko idea clear ho gaya ho. If you have any problem in any module, just let me know in a comment section. Or agar aap apni koi speaking de rahe ho aur aapse koi new cue card pucha ja raha hai, just let me know in a comment section so that ki dusre student ki bhi help ho jaye, jo bhi student ne apne exam dene hain. So that's it for today. Thank you. Stay tuned.